ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया आज दिल्ली पहुंची और दिल्ली एयरपोर्ट पर टीम इंडिया के खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत हुई। साउथ अफ्रीका को हराकर टीम इंडिया ने इस खिताब को अपने नाम किया और इस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों से फोन पर बातचीत किया था और उस दौरान ही पीएम ने कहा था कि जब खिलाड़ी वापस अपने देश आएंगे तब उनसे हम मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां राहुल द्रविड़, टीम इंडिया के कोच विराट कोहली, रोहित शर्मा, तमाम प्लेयर्स यहां मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात चल रही है। और ये मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां रोहित शर्मा से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और सभी खिलाड़ी हंसते मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। और दिल्ली से हमारे सहयोगी अंकित इस वक्त जुड़ गए हैं। अंकित, देखिए T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की जीत हुई, भारत की जीत हुई और इस जीत के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर पहले तो पोस्ट कर बधाई दी, वीडियो भी प्रधानमंत्री ने जारी किया, फोन पर भी उन्होंने बातचीत की और अब जब खिलाड़ी वापस आए हैं तो दिल्ली में मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री से। बिल्कुल रश्मि, अगर हम बात करें भारतीय T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम की, यानी आज 4 जुलाई को बारडोस से दिल्ली पहुंची भारतीय टीम। सुबह 6:10 दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद होटल ITC मौर्या में रुकी। कुछ देर होटल में आराम करने के बाद टीम के सभी खिलाड़ी सपोर्ट स्टाफ पीएम मोदी से मिलने के लिए प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी का भव्य हौसला बढ़ाया और कहीं ना कहीं उनका स्वागत किया। उसके बाद वहां पर जो ब्रेकफास्ट का तैयारियां थी उसको उनके सभी के साथ बैठ के खाना पीना किया और जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत इंडिया ने वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में किया उसको लेके कहीं ना कहीं सभी खिलाड़ियों का हौसला उत्साह वर्धन किया। सूर्य कुमार यादव ने जिस तरीके से कैच लिया उस पर भी चिंतन और मंथन किया गया। रोहित शर्मा कप्तान से जो टीम इंडिया के, उनको कहीं ना कहीं शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रॉफी अपने हाथ में ली और उन सभी खिलाड़ियों को उत्साह वर्धन किया और आगामी समय में जिस तरीके से जो तैयारियां चल रही हैं उसको लेके जो बातचीत थी वो की गई। 29 जून को खिताबी मुकाम में साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराने के बाद भारतीय टीम कई दिनों तक बारबाडोस में तूफान के चलते फंसी रही थी। BCCI सचिव जय शाह के भरकस प्रयास के चलते आज चार्टर्ड प्लान दिल्ली पहुंचा। उसके बाद अगर हम बात करें जो टीम इंडिया के प्लेयर थे उनके भव्य स्वागत की तैयारियां की गई। झोल ढोल लगाड़ों पर सभी जो क्रिकेट के प्लेयर थे, कप्तान थे, वो कहीं ना कहीं झूमते हुए नजर आए। तो ऐसे में आज शाम को 5 बजे मुंबई में रोड शो होगा। इसके बाद मुंबई के प्रसिद्ध वानखेड़े स्टेडियम में टीम इस जीत का जश्न मनाएगी और कहीं ना कहीं उन्हें सम्मानित करेगी। बिल्कुल। और अंकित, देखिए इस मुलाकात में भावुक कर देने वाला पल भी होगा क्योंकि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास लेने का ऐलान भी किया है। रोहित शर्मा की हम बात कर रहे हैं, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, सभी अब संन्यास ले रहे हैं, तो काफी भावुक कर देने वाला पल भी होगा जब पीएम से उन्होंने ये मुलाकात की। बिल्कुल, अगर हम बात करें जिस तरीके से टीम इंडिया के सभी क्रिकेट प्लेयर पहुंचे तो ऐसे में प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री सभी से एक एक करके औपचारिक मुलाकात की और सभी को जीत की शुभकामनाएं दी। और कहीं ना कहीं आपने पहले भी देखा होगा, विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स हो या फिर जो जिस तरीके से इसरो की सफलता हासिल की थी, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसरो के कार्यालय पहुंचे थे। तो ऐसे में जो टीम इंडिया वापस भारत आई है उसको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आवास पर एक घंटे से अधिक की औपचारिक मुलाकात हुई है। ऐसे में सभी खिलाड़ी अब मुंबई के लिए रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो भावुक क्षण भी कहीं ना कहीं अपना आभार व्यक्त किया है, सभी टीम के प्लेयर्स को शुभकामनाएं दी है। बस थोड़ी देर में एयरपोर्ट पहुंचेंगे सभी क्रिकेटर और वहां से मुंबई के लिए रवाना हो, बस कुछ समय का प्रतीक्षा करनी होगी। मुंबई में भव्य ऐतिहासिक रोड शो की तैयारियां की जा रही है, सभी क्रिकेटर उस रोड शो में सहभागिता करेंगे। रश्मि, बिल्कुल। और सुकून वाली तस्वीर जब प्रधानमंत्री ने भी उस ट्रॉफी को उठाया और सभी जो प्लेयर्स हैं उनके चेहरे पर मुस्कान, तो काफी अच्छी तस्वीर रही जब पीएम से उनकी मुलाकात हुई। बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी के लिए।